सिटी ऑफ स्प्रिट की ओर से सूचना केंद्र में आयोजित दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का रविवार को मुख्य अतिथि प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बदेल के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। इस अवसर पर बदेल ने अपने संबोधन में कहा कि कलाकार की कला की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसकी कला में निखार लाने के लिए सकारात्मक सोच रखकर समीक्षा करते हुए दोनों पहलुओं को न्यायिक दृष्टिकोण से आमजन के सामने रखना चाहिए। पुष्कर ब्रह्म मंदिर के महंत सोमपुरु ने फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से सर्वधर्म कौमी एकता की मिसाल पेश किए जाने की सराहना की और समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सेवाएं देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों को साधुवाद दिया। इस अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के महंत भागेश्वर उन्यास ने भी फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सराहना की और चित्रों की सजीवता के लिए छायाकार मोहम्मद नजीर को बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री अनिता बदेल, महंत सोमपुरी, दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन, उप महापौर संपत सांकला सहित अन्य अतिथियों ने समाज सेवा के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्था दावानुल हक संस्था ऊंटड़ा, गोरे गरीबा समिति, द ट्री ऑफ लाइफ फॉर एनिमल्स, अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, तारागढ़ पंचायत समिति, पीयूसीएल, जन सेवा समिति, लायनेस क्लब, गोताखोर दल पुष्कर राज, जय अंबे सेवा समिति, आर्य समाज नलाबजार, मोरूसी अमला, हिंद सेवा दल, मौलाना अबुल कलाम आजाद कल्याण संस्थान, मीनू मनोविकास स्कूल राजस्थान, महिला कल्याण मंडल को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। सभी लोगों ने मिस्टर नजीर कादरी की जो फोटो प्रदर्शनी थी उसको सराहा और एक विश्व शांति का जो संदेश दिया गया है ख्वाजा साहब की दरगाह का, कि इस दरगाह से सभी धर्मों और सभी धर्मावलंबियों को से ये निवेदन किया सभी धर्मावलंबियों से कि भाई सभी अपने भाईचारे को बनाए रखें, अपने शांति प्रेम का पाठ पढ़ें और सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं प्रदर्शनी का आगाज कल हुआ था और आज इसे अंजाम तक पहुंचाने में पूरी टीम ने एक सहयोग के साथ काम किया। देखने में सभी पब्लिकों को बहुत ही अच्छा और बढ़िया लगा और इस प्रकार के इवेंट साल में करीब 2-3 बार होते रहने चाहिए। इवन इस बार दरगाह की लगाइए, अगली बार पुष्कर की लगाएंगे और अजमेर शहर के अंदर बादशाहों की सवारी या कोड़ाम और होली, इस प्रकार के भी प्रोग्राम होने जो जा रहे हैं तो उसको भी हम प्रोत्साहित करेंगे और आगे से आगे जो है हर समुदाय के लोगों को जो है सहयोग और हेल्प देते रहेंगे। सारी फोटो को सहेज कर रखना, एक एक इवेंट को कैप्चर करना और इस तरीके से प्रदर्शित करना जिससे कि दरगाह की रिलेवेंटी और दरगाह से जुड़े हुए लोग, दरगाह से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं, जो उत्सव हैं, जो लोग हैं, जो जगह हैं, उन चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और नज़ीर भाई को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए वो कुछ और नया करें आने वाले समय में। अजमेर काव्य संगठन और रैम्बल रोड विकास समिति के तत्वाधान में बसंत काव्य संध्या का आयोजन रविवार शाम रैम्बल रोड जटिया हिल्स स्थित माधव उद्यान में किया गया। इस मौके पर दिल्ली से आए प्रमुख कवि पारोल रस्तोगी, जयपुर से प्रीति दक्ष, दिव्यानी पाठक, मीना सूद, अंकुश नागपाल, विशाल ठाकुर और संदीप शर्मा सहित देहरादून से प्रखर श्रीवास्तव और अजमेर के अमित टंडन ने काव्य पाठ कर बसंत का स्वागत किया। अजमेर काव्य संगठन के गठन के उद्देश्य को लेकर अमित टंडन ने बताया कि नए उभरते कवियों को मंच प्रदान करने के लिए अजमेर काव्य संगठन का गठन किया गया जिससे जुड़े अनेक नवोदित कवियों को संगठन के जरिए काव्य पाठ का अवसर मिलता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोता और काव्य प्रेमी मौजूद रहे। और मुझे सपनों की दुनिया में बसा लें, मेरी आंखों को मेरी मंजिल का इंतजार है, मेरी आंखों को मेरी मंजिल का इंतजार है। बनाए रखा है मैंने एक बंजर सा रेगिस्तान, जख्मों से सजी इस धुंधली सी मूरत को, बनाए रखा है मैंने एक खंडर सा आशियां, इस मकान को शायद एक किराएदार का इंतजार है, इस मकान को शायद एक किराएदार का इंतजार है, शायद मुझे मेरी मौत का इंतजार है। देहरादून से, अहमदाबाद से कवि और शायर आए हैं और अजमेर के भी चार शायर और कवि इसमें शिरकत कर रहे हैं और ये हमारा पहले से हमारे प्रयास चल रहे हैं। हम लोग कई कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं मगर ये थोड़ा सा बड़े स्तर के ऊपर हमारा एक पहला कार्यक्रम है जिसमें हमने बाहर के कवियों को भी आमंत्रित किया है ताकि ये वो कवि हैं जिन लोगों को मंच पर मौके नहीं मिलते या वो स्थापित कवि नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को एक मंच प्रदान किया जाए।